उत्तराखंड के नैनीताल में कालाडूंगी के नए थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने थाने में पुलिस और पब्लिक की गोष्ठी का आयोजन किया। उन्होंने वहां की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं और अपने सुझावों को भी लोगों के सामने रखा। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस और जनता के तालमेल से ही अपराध पर अंकुश लग सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए ही है और इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ सकता है। थानाध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र के गैर कानूनी काम करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के सम्मानित लोग, यहाँ के प्रधान, सभासद, चेयरमैन, अन्य गणमान्य लोगों के साथ बात की गई, लोगों द्वारा अपनी समस्या बताई गई, हमारे द्वारा उनको जो कुछ चीज़ें हैं वो बताई गई है, आपस में एक दूसरे के सहयोग की बातें हुई है। बहुत से में लोगों को बताया गया कि अपने घरों में लाइट जला के रखें, कोई भारी व्यक्ति आता है उसका सत्यापन जरूर कराएं और अपने घरों का जो बच्चे हैं उनको, जो है नाबालिग बच्चे, उनको गाड़ी न दें, इस बारे में बताया गया है और इसी बारे में मीटिंग की गई। लोगों द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि इसमें हम लोग सहयोग